नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों की। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में आज हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज सभी दलों के सांसद राष्ट्रीय ध्वज की स्मृति में एक मोटरसाइकिल रैली में लेंगे भाग। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज हरियाणा के मंत्री कंवरपाल ने अंबाला में हर घर तिरंगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित तिरंगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। यूपी ट्रिपल एससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र सीएम योगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा। कन्नौज रेप केस पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सपा के डीएनए में गुंडई और अराजकता भरी पड़ी है। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर, मिली 21 दिन की परोल। विधानसभा भवन के सामने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। दिनेश फोगाट के मेडल पर आज आएगा फैसला। मामले में सीएएस आज फैसला सुनाएगा। दिनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल देने की मांग की। अयोध्या उपचुनाव में सपा ने सौंपी कमान योगी के सामने। सपा से अवधेश को कमान। पार्टी ने 5 अन्य सीटों पर भी तय किए चुनाव प्रभारी। लोक सेवा आयोग ने बदली 3 भर्ती परीक्षाओं की तारीख। 23 से 31 अगस्त के बीच होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे सीएम। धामी तिरंगा बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर तैयारियां चल रही तेज। भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। इटवा विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के चर्चा। अलीगढ़ की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान का कराया गया निर्माण। गांव की दर्जनों महिलाएं और पुरुष कमिश्नर के पास पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिरोजपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंची। बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लिया। यूपी के बिजनौर में रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। मथुरा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर गीता करती है सिर्फ 2-3 घंटे की ड्यूटी। प्रभारी डॉक्टर और सीएमएस की शह पर चल रहा मनमानी का खेल। सरकार की मंशा को पलीता लगा रही मथुरा की ग्राम पंचायतें। विद्युत विभाग का 488.86 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकायदा। आज से ओपीडी सेवाओं में हड़ताल। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का बयान, कहा बांग्लादेश में तख्तापलट में अमेरिका का हाथ नहीं। इसराइल ने कहा ईरान में घटनाक्रम पर होम फ्रंट दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।